हेलो मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हो। मैं जी प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ये और मार्किंग सेंटर में फाइल जितनी होती है उसकी सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने फाइल 7 तक डिस्कस कर लिया, आज मैं इस वीडियो में फाइल 8 के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप लोग ज्वेलर भाइयों आप जानते हो कि अगर एक और मार्किंग सेंटर आप रन करते हो उसमें बहुत सारी फाइलों की ज़रूरत पड़ती है। उन फाइलों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि फाइलें होती हैं हमारी 17 फाइलें यूज होती हैं हॉल मार्किंग सेंटर में और 12 रजिस्टर यूज होते हैं। उनका सीधी जब वीडियो लेके आया हूँ मैं, आज मैं फाइल नंबर 8 के बारे में डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 8 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसमें फाइल नंबर, ये फाइल नंबर 7 है, 7 फाइल नंबर 8 है। फाइल नंबर 8 में F27 फॉर्मेट होता है। फाइल नंबर 8 क्या है, 8 है। हम मैंने इस वीडियो में फाइल नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो, आज मैं इस वीडियो में फाइल नंबर 8 के बारे में डिस्कस करूँगा। फाइल नंबर 8 का नाम है टेस्ट सर्टिफिकेट की फाइल होती है। इस फाइल में हम ये देखती है, फाइल ऐसी दिखती है, टेस्ट फाइल नंबर 8 F27 का फॉर्मेट होता है। इसके अंदर इस तरह से ये कोबरा फाइल हमने ये रखा हुआ सब के लिए, ये इसके अंदर हमारा फॉर्मेट होता है F27 और F27S। इसमें क्या है, दोनों के क्या है, दो दो पेज होते हैं, पेज 1 और पेज 2। पेज 1 में क्या है, इसमें क्या है, सारी डिटेल होती है, जैसे कि आपका टेस्ट आर्टिकल रिसीव डेट, टेस्ट आर्टिकल रिसीव डेट, टेस्ट परफॉर्मेंस डेट, टेस्ट सैंपल एंड रिपोर्ट नंबर होता है, और कस्टमर का नेम होता है, एड्रेस होता है कस्टमर का, कस्टमर कोड होता है, लेटर रिटर्न डेट होता है, डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल होता है, स्टेटस ऑफ आर्टिकल होती है, ऑर्नामेंट बिग था स्मॉल था, डेट बिफोर मेंट डेट आफ्टर मेंट होता है, इसमें मेथड ऑफ सैम्पलिंग एज पर IS जो भी एप्लीकेबल होता है, ऐसे मेथड यूज कौन सा मेथड यूज करके आप ऐसे ही करी है, अगर गोल्ड का है तो गोल्ड का डिटेल देना, सिल्वर का सिल्वर, एनी डिविएशन फ्रॉम द मेथड 665 इन द स्टैंडर्ड और एनी अनयूजुअल फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट कोई था तो वो डिटेल देना। तो जो भी सिल्वर कंटेंट इन पार्ट पर था, जैन फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू मीन वैल्यू, इसी तरह से गोल्ड के केस में होता है फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू मीन वैल्यू, सिल्वर के केस में 3 होता है फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू, वेट ऑफ सिल्वर प्रोडक्ट रिटर्न आफ्टर द सेम, ये सिल्वर के केस में वेट ऑफ सैंपल रिटर्न एंड एस्टिम इन ग्राम, और गोल्ड के केस में क्या, वेट ऑफ प्योर गोल्ड रिटर्न आफ्टर द सेम और वेट ऑफ सैंपल रिटर्न एंड एस्टिम, ये गोल्ड के केस में होता है। तो मेरे भाइयों, फाइल नंबर 7 में क्या होता है, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट मतलब टेस्टिंग सर्टिफिकेट, गोल्ड सिल्वर के सर्टिफिकेट जितना हम जनरेट करते हैं वो सारी होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, फाइल नंबर 8 टेस्ट सर्टिफिकेट होते हैं। टेस्ट सर्टिफिकेट जैसा कि हम ज्वेलरी को टेस्ट करते हैं और उनका सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, तो ये क्या टेस्ट सर्टिफिकेट की फाइल है, फाइल नंबर 8। तो ज्वेलर भाइयों, ये हमारे आज इस वीडियो मैंने क्या है फाइल 8 तक कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।